जाते हुए यीशु ने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने? इसका अंधा होना ना तो इसके ना इसके माता पिता के पापों का प्रतिफल है, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब तक दिन है हमें उसके काम करते रहना है जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगा दी। जा और शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब उसके पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? ये वही तो है। नहीं, ये वो नहीं, उसके समान दिखता है। मैं वही हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ कि तेरी आंखें खुल गई? यीशु नामक उस व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। तो मैं गया और जैसे ही धोया मैं देखने लगा। वो कहाँ है मैं नहीं जानता,